जमुना तीरा बन चारी भगवते वासुदेवाय ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण अब क्या कह रहे हैं नारद देखते हैं चित्रकेतु को वचसि उपहृते अप्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूपः चिन्मात्रः सो अभ्यात्मनः सत् असत् परः। मेरे साथ पढ़े वचसि उपहृते अप्राप्य एको मनसा सह अनाम रूपः चिन्मात्रः सो अभ्यात नः सत् असत् परः शब्दार्थ है वचसि जब शब्द वाणी उपरते नहीं रहते अप्राप्य लक्ष्य न प्राप्त करके यह जो एक एक मनसा मन के सहसा अनाम बिना नाम का रूप अथवा भौतिक रूप चिन्मात्र चित्मात्र
पूर्णतया आध्यात्मिक। सह वह अभ्यास रक्षा करे न हमारी सत असत पर जो समस्त कारणों का कारण है, सर्व कारण कारण। मेरे साथ पढ़े बद्ध जीव की वाणी तथा मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे नितांत आत्मस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की अवधारणों से परे हैं, अतः उन पर भौतिक नाम तथा रूप लागू नहीं होते, तथा रूप लागू नहीं होते। निर्गुण ब्रह्म उनके निर्गुण ब्रह्म उनके अन्य रूपों में से हैं, वे अपने आनंद स्वरूप से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तात्पर्य एक ही लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में निराकार ब्रह्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ज्योति है वर्णन हुआ है। निराकार का बात की है भगवान ने, अदरवाइज हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो हमारे भौतिक शरीर स्थूल सोच इससे बहुत परे है। यस्मिन् यस्मिन् इदं यतः च इदं तिष्ठति अप्येति जायते मृणम् एषु इव मृत जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। मेरे साथ पढ़िए। यस्मिन् इदं यतः च इदं तिष्ठति अप्येति जायते मृणम् एषु इव मृत जाति मृत जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। शब्दार्थ है यस्मिन् जिसमें इदम यह दृश्य जगत यतः जिससे च भी इदम यह दृश्य जगत तिष्ठति स्थित है अपेति विलीन होता है जायते उत्पन्न होता है मृतमय मिट्टी से बनी वस्तुओं में पंचभूत से इव के जैसा मृत जाते ही मिट्टी से जन्मा तस्मै उस ईश्वर ते तुमको ब्रह्मणे परम कारण नमस्कार। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र बनाए जाने के बाद पृथ्वी पर स्थिर रहते हैं और तोड़ दिए जाने पर पुनः मिट्टी बन जाते हैं। उसी प्रकार से यह दृश्य जगत परम ब्रह्म द्वारा उत्पन्न किया जाता है उन्हीं में स्थिर रहता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। अतः ब्रह्म के कारण सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम को हमारा सादर नमस्कार। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर इस दृश्य जगत के कारण है, वे ही सृष्टि के बाद इसके पालन करने वाले तथा प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु के आगार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं पर जगत के कारण है, सृष्टि के बाद इसके पालन करने वाले हैं, प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु के आकार है, उन्हीं में चली जाती। अहम एवासम एवाग्रे। यत्न न स्पृशन्ति न विदुः मनो बुद्धि इंद्रिय असवः अन्तर्बहिस्वपिततम् व्योमवत् तत् नतो अस्मि अहम्। मेरे साथ पढ़िए। यत्न यत्न स्पृशन्ति न विदुः स्पृशन्ति मनो बुद्धि इंद्रिय असवः मनो मनोबुद्धिन्द्रियाशवः अन्तर्बहिश्च विततम् अन्तर्बहिश्च व्योमवत् विततम् तत् नतो अस्मि अहम्। व्योमवत् अस्मि अस्महम् अहम्। अस्मि अहम् मेरे अस्महम् ख्याल मैंने अस्महम् मैंने पहले छोटा लिया, बड़ा लिया, इसको फिर बोलता हूं। अंतर्बहिस्वितम् व्योम अंतर बहिश्च अंतर्बहिश्चवितम् विततम् व्योम व्योम वत्तत् न तो अस्मि अहम्। अस्महम् शब्दार्थ है यत, जिसको ना नहीं स्पृशन्ति छू सकता है, ना नहीं विदुह जान सकता है, मन मन बुद्धि बुद्धि इंद्रिय इंद्रियां असवह प्राण अंत भीतर वही बाहर च भी विततम प्रसारित व्योमवत् आकाश के समान। हाँ मुझे व्योमवत् तक पढ़ना चाहिए था। उसको नतः प्रणाम प्रणत अस्मि हूँ अहम मैं। मेरे साथ पढ़े। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान श्री से प्रादुर्भूत से प्रादुर्भूत होकर होकर परम ब्रह्म व्योम की होता तरह परम ब्रह्म व्योम की तरह विस्तृत हो जाता है, विस्तृत व्योम आकाश की तरह। यद्यपि इसको कोई भौतिक पदार्थ स्पर्श स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं किंतु यह भीतर तथा बाहर विद्यमान है। किंतु तो भी मन बुद्धि इंद्रियां तथा तो प्राण शक्ति प्राण शक्ति न तो उसका स्पर्श कर सकती है, न न तो उसका स्पर्श कर सकती है, उसे जान सकती है। न उसे जान सकती है। मैं उनको सादर नमस्कार करता मैं हूँ। उनको सादर नमस्कार करता हूँ। ये नारद चित्रकेतु को दे रहे हैं उपदेश। देह इंद्रिय प्राण मनो धियो अमी यद अंग से विद्या प्रचरन्ति कर्मसु न एव अन्यदा लोहम इव अप्रतप्तम स्थाने सुतदृष्ट अवधेशम एति। मेरे साथ पढ़िए। देह इंद्रिय प्राण मनो धियो अमी अपने यदंश विद्या प्रचरन्ति कर्मसु कर्मचो न एव अन्यदा लोहम इव अप्रतप्तम
दृष्ट उपदेश शब्दार्थ है देह शरीर इंद्रिय इंद्रिय प्राण प्राण शक्ति मन मन धियः तथा बुद्धि अमी ये सब यद अंश विद्या ब्रह्म या परमेश्वर की किरणों से प्रभावित प्रचरंती फैलती है कर्मसु विभिन्न गतिविधियों में ना नहीं एव निसंदेह अन्यथा अन्य अवसरों पर लोहम लोहा इव के समान अप्रतप्तम अग्नि से अतप्त स्थानेषु उन स्थितियों में तत्व दृष्ट अपदेशम किसी दृष्ट वस्तु का नाम एति प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से तप्त हुआ लोहा जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से तप्त हुआ भस्म कर देने में समर्थ है उसी प्रकार शरीर शरीर इंद्रियां इंद्रियां प्राण शक्ति प्राण शक्ति मन तथा बुद्धि मन तथा बुद्धि पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए भी पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए श्री भगवान द्वारा चेतना के कण मात्र से पूरित होने पर अपने अपने कार्य करने लगते हैं हाँ जितने भी चीजें हमारे शरीर में हैं ये भौतिक किसी काम के नहीं क्योंकि ये मिट्टी के बने हैं। हर चीज आपकी आंख है आपकी कान है हाँ बने डिफरेंट ढंग से हैं। भगवान की देखिए कैसी कैसी आर्किटेक्चर है भगवान का कैसा बनाया है शरीर हर जीव का हमारा ही नहीं हर एक का वैसा बनाया है भगवान ने ऐसे सृष्टि करी। इसमें से किसी का कोई महत्व नहीं है जब तक कि कण कौन सा बताया अभी चेतना के कण मात्र एक कण चेतना का डाल दिया एक क्या हमारी आत्मा आत्मा ने सारे शरीर को चेतना दे दी हम क्या क्या नहीं कर पाते हैं जब तक कण है वो कण निकला नहीं आप बेकार हो गए। ये बात कितनी गजब की चीज है। जिस प्रकार अग्नि में तप्त हुए बिना लोहा कुछ भी जला पाने में असक्त रहता है उसी प्रकार ये शारीरिक इंद्रियां परमेश्वर के कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती कृपा किया एक कण डाल दिया उससे चेतना आई आप खाते अरे हाँ ज्यादा मीठा हो रहा है खट्टा हो रहा है ये जीव को ये शक्ति दी भगवान ने इस इंद्रिय को स्वाद की शक्ति जिसमें आप ये चाहते हैं थोड़ा कम करो थोड़ा ज्यादा करो थोड़ा इधर करो थोड़ा उधर करो ये शक्ति आपको दे दी। ये अदरवाइज जीव तो पंचभूत है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता ये शक्ति दे दी। पहले तो उसको बनाया ऐसा पहले आपके पैलेट को ऐसा बनाया कि आपको लगे कि किस चीज का रसा स्वादन कैसे किया जाए ऐसा बनाया क्या कारीगरी है। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा अनामिका माता जी अनामिका हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा।
कपा कर लाल, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तपा कर लाल किया गया लोहा जला सकता है किंतु वह मूल अग्नि को भस्म नहीं कर सकता। अतः ब्रह्म के सूक्ष्म कण की चेतना परब्रह्म की शक्ति पर पूर्णतया आश्रित है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। बद्ध जीव मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त करता है। कार्य करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त होती है और जब भगवान शक्ति वापस लेते हैं तो बद्ध जीव की इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ आवाज नहीं आ रही थी, मत पढ़ी मत। कार्य करने की शक्ति परमेश्वर द्वारा प्राप्त होती है और जब भगवान शक्ति वापस लेते हैं तो बद्ध जीव की इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती। शरीर में 5 कर्म इंद्रियां तथा मन के अतिरिक्त 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, किंतु वास्तव में ये पदार्थ के खंडों के सदृश हैं। फलस्वरूप मस्तिष्क पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जब वही श्री भगवान की शक्ति से विद्युन्मय होता हो जाता है तो कार्य कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लाल होने पर लोहा जला सकने में समर्थ है, हमारे जगत जगते रहने या स्वप्न देखते समय भी मस्तिष्क कार्य कर सकता है, किंतु हमारे संज्ञा शून्य होने पर वह निष्क्रिय रहता है या प्रगाढ़ निद्रा के समय वह निष्क्रिय रहता है। चूंकि मस्तिष्क पदार्थ का एक पिंड है, इसमें कार्य, हरे कृष्ण माता, कार्य करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र क्षमता नहीं होती। वह तभी कार्य कर सकता है जब उस पर ब्रह्म या परब्रह्म स्वरूप श्री भगवान की कृपा दृष्टि होती है। यही वह विधि है जिससे वह यह समझा जा सकता है कि परब्रह्म श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे सूर्य मंडल में सूर्य देव की उपस्थिति के कारण धूप दिखती है, परमेश्वर को ऋषिकेश कहा जाता है। वे ही इंद्रियों के एकमात्र संचालक हैं। जब तक उनकी शक्ति प्राप्त नहीं होती, हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में ईश्वर ही एकमात्र दृष्टा, कर्ता, श्रोता तथा नियंता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद पिता जी। कृष्ण दिया खत्म हो गए थे। दिया, हाँ खत्म हो गया माता, ये दिया हरे सब कुछ दिया भगवान ने, और शरीर दिया, आंखें दी, कान दी, जीव दिया, और किसी को कर्मों के हिसाब से कुछ नहीं भी मिलता। आपने देखा किसी के कान ही नहीं होते या कोई सुन ही नहीं सकता है, ये अलग चीज है, लेकिन दिया उन्होंने हमको ये दिया। और इनमें जब तक उनकी शक्ति नहीं आती, अब जब प्राण आपके इसमें कण मात्र, चेतना के लिए कण मात्र भगवान का ये दिव्य जो है हमारा, हमारी आत्मा जब आती है अंदर, तो आत्मा इतना छोटा होते हुए भी पूरे शरीर में चेतना दे देती है, फिर आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं, हंस सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, ये सब हमको मिलता है। ये इसका कभी हमको ध्यान रहता है, भगवान ने ये चीज दे रखा है, भगवान आपको नमस्कार है, नहीं क्या करते हैं, भगवान ने ये दिया नहीं, मैं इतनी गरीबी है, दूसरे इतने अमीर हैं, मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, ये भौतिक चीजों में हम उलझ जाते हैं। और कभी कभी बहुत भगवान को गाली भी करते हैं। यहाँ आपने देखा चित्रकेतु की वाइफ ने, पृथ्वीदिति ने भगवान को गाली भी की, कदा कहती है तू मूर्ख है, तेरे को ज्ञान ही नहीं है इतना, ये गुस्से में ये भी कह दो, भगवान नाराज नहीं होते आपसे। हाँ ये चीज आप भगवान के भक्त के लिए कहें तो भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। अब वो बता रहे हैं कि
क्या मंत्र पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िएगा। ओम नमो भगवते महापुरुषाय, ओम नमो भगवते महापुरुषाय, महापुरुषाय, महाअनुभावाय, महानुभावाय, महाविभूतिपते, महाविभूतिपते, सकल सत्वत् सकल सारवत् परिवृढ निकर परिवृढ निकर कर कमल कर कुडमल कमल उपलालित चरणारविंद चरणारविंद युगल युगल परम परमेष्टिन परमेश्वर नमस्ते। नमस्ते 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 भी पढ़ सकते हैं, नमस्ते आपको नमस्कार है। शब्दार्थ है ओम हे भगवान, नमः नमस्कार भगवते, छह इंद्रियों से पूर्ण ब्रह्म आपको, महापुरुषाय परम भोक्ता, महाअनुभावाय परम सिद्ध आत्मा या परमात्मा, महाविभूतिपते समस्त योग शक्तियों के स्वामी, सकल सात्वत परिवृढ़ समस्त श्रेष्ठ भक्तों का निकर समूह, कर कमल कमल रूपी हाथों का, कुडमल कलियों का, उपलालित सेवित चरणार बिंद युगल, जिनके दोनों चरण कमल परम सर्वोच्च परमेष्टिन वैकुंठ में वैकुंठ लोक में स्थित, नमः ते आपको नमस्कार है। मेरे साथ पढ़िए, हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्य ईश्वर, हे आपके वैकुंठ चरण कमल सदैव लोक में श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर कमलों के द्वारा कर कमलों के द्वारा चापे जाते हैं। चापे जाते चाहते हैं, जाते हैं हाँ, जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो आपके पैर दबाते हैं, चापे जाते हैं। आप छह ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान हैं, आप भगवान भगवान हैं, आप पुरुष सूक्त की स्तुति में वर्णित, आप आप परम पुरुष सूक्त की स्तुतियों में परम वर्णित पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, पुरुष हैं, आप परम पूर्ण आप परम आप पूर्ण अरुण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध समस्त स्वामी योग हैं। शक्तियों समस्त के योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध स्वामी है। स्वामी मैं आपको सादर नमस्कार करता मैं हूँ, आपको सादर मैं आपको नमस्कार सादर नमस्कार करता हूँ। करता हूँ। तात्पर्य माता जी, कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। तात्पर्य वही माता जी, शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। कहा जाता है परम सत्य तो एक है, किंतु वह ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान जैसे विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। पिछले श्लोकों में परम सत्य के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों का वर्णन हो चुका है। अब ये परम पुरुष के प्रति भक्ति योग में की गई स्तुति है। इस प्रसंग में सकल सात्वत परिब्रढ़ शब्दों का प्रयोग हुआ है। सात्वत शब्द का अर्थ है भक्त जन और सकल का अर्थ है सब मिलकर। भक्तों के भी चरण कमल होते हैं और वे अपने कर कमलों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कभी कभी भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में सक्षम नहीं होते, इसलिए भगवान को परम परमेष्ठिन कहा गया है। परम पुरुष होते हुए भी वे भक्तों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी योग्य या सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी यदि भक्त उसके योग्य नहीं होता
तो दयालु भगवान उसके इस विनीत प्रयत्न को स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सोचिए, हम क्या इस लायक हैं उनकी सेवा के? नहीं, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। और हम क्या भगवान को भोग खिलाने के लायक हैं? हम कितने गंदे हैं, कितनी गंदी सोच है हमारी, कितना गंदगी हमारे हृदय में भरी है। और बड़े अहंकार से मैंने भगवान को खीर लगाई आज भोग में, ऐसे ढीगे हम मारते हैं। क्या हम इस लायक हैं कि भगवान के लिए हम भोजन बना सकें? नहीं, नहीं है। क्या इस लायक हैं हम भोजन को भोग अर्पित करें? बिल्कुल नहीं है। इसलिए लगाते हैं अपने को हमेशा इस भाव में रखिए, मैं इस लायक हूं ही नहीं कि आपके लिए कुछ बना सकूं। लेकिन ये जो मैं भेंट कर रहा हूं भगवान, लायक नहीं हूं। अगर आप इसे स्वीकार करें और इस तरफ आपकी दृष्टि भी पड़ जाए, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगी या समझूंगा। ये भाव होना चाहिए, बहुत नम्र भाव होना चाहिए। भगवान के सामने आपको एक 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करना है, ये चीज। नहीं तो हम लायक है ही नहीं। एक्चुअली बहुत सही कहा है। और लायक बनते हैं आप गुरु कृपा से। गुरु आपको शिक्षा देते हैं, आप धीरे 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 धीरे। और प्रभुपाद ने हमारे जो एक जगत गुरु हैं प्रभुपाद, वो बताए, उन्होंने बताया। अब उनके शिष्य जो हमारे गुरु हैं वो हमको दीक्षा देते हैं, और उनके शिष्य हमको शिक्षा देते हैं। उससे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी में बहुत प्रखर बुद्धि होती है, वो एकदम समझ जाता है, वो बुद्धिमान कहलाता है भक्ति में। दूसरा उसमें ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों ऐसा, ये बुद्धि हम में आती है, क्योंकि हम लायक ही नहीं है समझने के। बुद्धि नहीं है ऐसी, जिसमें बुद्धि होती है वो एकदम समझ जाता है। हाँ, इसका ये मतलब है, ये हमको नहीं समझ आता। लेकिन फिर भी हम अगर विनीत भाव से भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, या और झुक करके नमस्कार करते हैं नतमस्तक होकर के, तो भगवान स्वीकार कर सकते हैं। बशर्ते भाव अंदर आपकी भावना हो वैसी। अगर आप बहुत अकड़ के ये कहें मैंने इतना बढ़िया साज सामग्री बनाई है, आप इसको स्वीकार कीजिए, जरूरी नहीं है भगवान स्वीकार करें। लेकिन एक गरीब जिसके पास नहीं है कुछ, वो थोड़ा सा कुछ अर्पित करे और उसके अर्पित करने में आंसू निकल आए कि भगवान ने इससे ज्यादा नहीं कर पाया, ये आपके लायक नहीं है, ये अगर कहें, भगवान फट से पकड़ के ले लेंगे। ये भाव बहुत जरूरी है, वो भाव भगवान के लिए। तो इसीलिए भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमयि भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी भगवान का भक्त, क्या भगवान भूखे हैं हमारे खाने के? पता ही नहीं। लेकिन ये करते क्यों हैं हम ऐसा? कि भगवान से हमारा लगाव हो जाए किसी तरह से। हम कहते हैं अरे, बाद में जब आप खाते हैं जो भगवान को भोग लगाया, तो इसलिए आप कहते हैं अरे इसमें तो नमक ज्यादा था, तो भगवान को ऐसा नहीं देना चाहिए, आपको ये महसूस होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे भाव से दिया है, भगवान उस नमक को भी स्वीकार कर लेंगे तो ज्यादा पड़ा है, ये चीज है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को जो भोग लगाते हैं उसमें नमक चीनी का ध्यान रखें कि नहीं, क्योंकि आपको ग्लानी होती है, भगवान को नहीं। भाव है, बहुत अच्छे भाव से आप देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भक्ताय एताम प्रपन्नाय विद्याम आदिश्य नारदः।
ययाव है तो ययाव हो जाएगा, ययाव अंग्रसा साकम धाम स्वायं भुवम प्रभो। मेरे साथ पढ़े, श्री शुक उवाच। भक्ताय एताम प्रपन्नाय, विद्याम आदिश्य नारद, जयौ अंग्रसा साकम् धाम स्वायं भुवं प्रभो। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा भक्ताय भक्त को, एताम यह, प्रपन्नाय शरणागत को, विद्याम दिव्य ज्ञान आदेश से उपदेश देकर, नारद परम साधु नारद, यय चले गए, अंगिरसा परम संत अंगिरा साकम के साथ धाम सर्वोच्च लोक के लिए स्वयं भुवम ब्रह्मा जी के प्रभो। हे राजन, नारद वहीं ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, जब रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नहीं रहते क्योंकि दक्ष का श्राप है। मेरे साथ पढ़े, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, चित्रकेतु के पूर्णतः शरणागत होने पर, गुरु हो जाने के कारण, गुरु हो जाने के कारण, हाँ, तो चित्रकेतु के गुरु कौन है? नारद। तो ऐसा चित्रकेतु वैकुंठ जाए, सवाल ही नहीं होता। नारद का कोई भी भक्त ऐसा हो ही नहीं सकता जो वैकुंठ नहीं जाएगा। गुरु हो जाने के कारण, नारद ने इस स्तुति के द्वारा उसे पूरा पूरा उपदेश दिया, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात तत्पश्चात अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जब अंगिरा राजा चित्रकेत को सर्वप्रथम देखने आए थे तो अपने साथ नारद को नहीं लाए थे, किंतु चित्रकेत के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे नारद को अपने साथ इसलिए ले आए जिससे वे चित्रकेत को भक्ति योग के संबंध में उपदेश दे सके। अंतर ये था कि प्रारंभ में चित्रकेत में वैराग्य वृत्ति नहीं थी, किंतु पुत्र की मृत्यु के पश्चात अब वो शोक से अत्यंत संतप्त था, तो जगत तथा भौतिक संपत्ति की असारता के विषय में उपदेश दिए जाने पर उसमें वैराग्य जागृत हुआ। यही अवस्था है जिसमें भक्ति योग का उपदेश दिया जा सकता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है तब तक भक्ति योग समझ में नहीं आता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। भोग ईश्वर प्रसत्ता नाम तया परत चेत साम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य विषय योग तथा लौकिक ऐश्वर्य में गहरी आसक्ति के कारण इस प्रकार मोहित हो रहे हैं उनके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। जब तक मनुष्य विषय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तब तक उसका मन भक्ति जैसे विषय पर केंद्रित नहीं हो पाता। इस समय पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफलतापूर्वक इसलिए अग्रसर हो रहा है क्योंकि पश्चिम के युवक वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वे समस्त भौतिक सुख से एक प्रकार से ऊब चुके हैं, अतः समूचे पश्चिमी देशों में हिप्पियों की जनसंख्या हो गई है। अतः यदि ऐसे युवा व्यक्तियों को भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो वो अवश्य प्रभावशाली होगा। जो ही चित्रकेत को वैराग्य विद्या का
दर्शन समझ में आ गया, क्यों ही वो भक्त योग को प्रक्रिया को समझ सका। इस संबंध में शील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या तथा भक्ति योग समानांतर रेखा है, समांतर रेखा है, एक को समझने के लिए दूसरा अनिवार्य है। ये भी कहा गया है, भक्ति परदेशानुभवो विरक्ति विरक्ति रन्यत्र चाह, भागवत 11.2.42। कृष्ण भावना में अथवा भक्ति में उन्नत का लक्षण है भौतिक रूप से बढ़ती हुई विरक्ति। नारद मुनि भक्त के जनक हैं, इसलिए चित्त के पर अहेतुकी कृपा करने के कारण इसे उपदेश देने के लिए अंगिरा अपने साथ नारद मुनि को लेते आए। उनके इन उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो कोई नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वो निश्चय ही शुद्ध शुद्ध भक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। क्षमा कीजिए, कोई गलती हो गई हो, कोई चक्कर आने के कारण बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था ठीक से। क्या क्या हो गया आपको? तो पता नहीं क्यों चक्कर आने लगे शरीर है, क्या पता क्या हो गया। अपना ध्यान रखिए। कोई गलती हो गई हो पढ़ने में तो क्षमा कीजिए। नहीं, कोई गलती नहीं प्रभु, लेकिन चक्कर चक्कर आने के एक कारण ये है, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं जी। तो हो सकता है दो, एक कारण तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा कारण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, तो फिर नहीं, बीपी भी ठीक है, सर्वाइकल भी नहीं है, तो फिर दवाई से ठीक हो जाए। हाँ, दवा दवा ले रहा हूँ प्रभु जी, होम्योपैथी और एलोपैथी पहला ले रहा हूँ दोनों। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु, दो, धन्यवाद दो, दो, दो तरीके हैं जब जी। आदमी भक्ति योग की तरफ, कौन सा जो भौतिक जगत में बधा हुआ है, दो, एक तो वह इतना ऐश्वर्य से इतना ऊब जाता है, जैसे ये जब प्रभुपाद राइट टाइम पर गए अमेरिका, वहां का जो यूथ था वो बहुत ऊब चुका था ऐश्वर्य से, बहुत ऊब चुका था, और हिप्पी बनने लग गए। उस समय आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, मैंने देखा है एक आध हिप्पी यहाँ इंडिया में भी दिखते थे, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और न वो नहाते थे, न बाल, उनके सिर के बाल ऐसे बिखरे हुए, और लड़के लड़कियां उनके ये भौतिक ऐश्वर्य से उबने के कारण, वो क्यों, कारण क्या है, सरकार का जो काम था वो भी उनको पसंद नहीं था, क्योंकि उससे पहले वियतनाम में युद्ध किया अमेरिका ने, मेरे ख्याल से कितने सदियों तक, मतलब सदियों नहीं, जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल से 30-40 साल तक युद्ध हुआ, कुछ नहीं कर पाए वियतनाम में। होचिमिन इतना एक ऐसा था, उसने जनता को ऐसा जागृत किया, तो अभी भी होचिमिन सिटी में मेरा एक बार जाना हुआ था, वहाँ होचिमिन सिटी के लोग होचिमिन का नाम आने पर रोने लगते हैं, इतना प्रेम है उसका उस मनुष्य के लिए जो वहाँ का नेता था, लोगों को ऐसा जगाया उसने, तो वो लोग कितने मरते रहे परवाह नहीं। तो ये भी था वहां पर यूएस में, जो उनके अशांति का कारण नव जो जवान थे, दूसरा ऐश्वर्य से वो बहुत ऊब चुके थे, कारण ये ऐश्वर्य, अगर ऐश्वर्य आपके पास हो जो हमारे इस क्लास में है, आप कभी नहीं उबेंगे, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप भगवान से अगर जुड़े हैं तो ऐश्वर्य आपको ज्यादा चाहिए भी नहीं, और अगर है तो आप उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। भगवान का भक्त ऐश्वर्य को से पागल नहीं होता, क्योंकि ज्यादा ऐश्वर्य आया भगवान की सेवा में लगा दे तो उबता नहीं। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है आदमी बहुत दुखी हो जाए, उसको शमशान बैरागी कहते हैं, मरे आदमी को आप शमशान में जाते हैं तो आप सोचते हैं, अरे ये जिंदगी क्या है, ये तो हमने भी यही आना है, ऐसा सोच आता है, लेकिन लोगों को उसको कहते हैं शमशान बैराग। तो चित्र केतु को
ऐसा दुख था जब बेटा मर गया, तो अंगिरा नारद को लेके आए, क्योंकि उस समय भक्ति देने का राइट टाइम था और कृपा थी भगवान की। जो ऐसा क्यों हुआ, भगवान की लीला है, नहीं ये मेरा भक्त है, इसको पकड़ो। आए दोनों, और लेकिन वो एकदम ऐसे मानेगा नहीं, किसी का बेटा मरा है छोटा, कैसे मानेगा कि ये मेरा अपना नहीं था बेटा। नारद ने कहा तो जिंदा हो जा बेटे, बता बता इसको, तो यहाँ सुख भोग कर तो जल्दी मर गया था, ये कहा। और वो कहता है मैं तो इसका बेटा हूं ही नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो भ्रमण करता हूँ, कभी हाथी बनता हूँ, कभी कुत्ता बनता हूँ, कोई भी स्वर्ग में रहता हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इनको अपना माँ बाप नहीं मानता। तब उनको, अरे हम तो इतना रो रहे हैं, और ये कह रहा हम, ये मेरे कुछ लगते ही नहीं, तो ये तब करके उसको ज्ञान आया। तब नारद ने उसको उपदेश दिया, भक्त बना दिया। ये है, मैं आज क्लास नहीं कर रहा हूं, मुझे थोड़ा काम है। ओम अज्ञान तिम्रांध्यक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषे शमशम निवादी पाचार्य स्थिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।